पूरी तरह से फिट हो गया है, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मैं फिट हो गया हूं और मैं फिट कर दूंगा अब, ये शब्द थे लालू यादव के। और लालू यादव ने 23 जून को ये बात कही थी जब महागठबंधन की बैठक, पहली बैठक पटना में हुई थी, और उसके बाद संवाददाताओं को लालू यादव संबोधित कर रहे थे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा। जी हाँ, लालू का बाउंस बैक करना, कम बैक करना क्या मैटर रखता है, इस बात को हम आज आपको बताएंगे। जी, लालू जानते हैं कि राजद और जदयू में कितनी ताकत है। 2015 में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ दोनों पार्टियों ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 178 पर जीत हासिल कर ली थी, ये आपको पता होगा। इस बार चुनौती बड़ी है, 2024 और 2025 में चुनौती बड़ी है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर नेता, कद्दावर नेता महागठबंधन के सामने है, ये भी लालू अच्छी तरीके से समझते हैं। केवल तभी जब वे अपने समर्थन समूहों को एकीकृत कर अपनी छवि मजबूत करेंगे लालू यादव, तब निश्चित तौर पर वो सफलता पा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस नेतृत्व का असाधारण संबंध रहा है, वह राजनीतिक विभाजन के विभिन्न वर्गों तक भी पहुंच सकते हैं। पप्पू यादव से भी उनके संबंध कमोबेश अच्छे हैं। हालांकि लालू के मुश्किल में रहने से राजद में व्यवस्था बदलने की संभावना नहीं है, जिसका नेतृत्व सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन यह लालू का श्रेय है कि वह चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं और ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति भी बने हुए हैं। कई अन्य राजनेताओं के विपरीत, जिन्होंने दोषी ठहराए जाने के बाद प्रासंगिकता खो दी और गुमनामी की जिंदगी में चले गए, लालू अपने युग के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेताओं में आज भी हैं। 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर विधायिका में कदम रखने वाले 46 साल बाद भी प्रासंगिक बने हुए हैं, ये कम बात नहीं है। लालू यादव समकालीन नेता की तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। बिहार में राजनीतिक दुनिया तब से काफ़ी हद तक बदल गई है, फिर भी लालू की लोकप्रियता कमोबेश बरकरार है। ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लालू कम बैक कर चुके हैं। वो तस्वीर हम आपको सुनवा रहे हैं अभी, जिसमें कि लालू ने कहा था कि मैं फिट हो गया हूं और अब मैं उनको फिट कर दूंगा, उनको फिट कर दूंगा, यानी कि भाजपा और मोदी को मैं फिट कर दूंगा। सुनिए। आप पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा। ये बातें 23 जून की है, जब महागठबंधन की बैठक जो है वो चल रही थी पटना में, और बैठक के समाप्ति के बाद लालू यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया था। अब आ जाइए 5 जुलाई को। 5 जुलाई को राजद की जो है वो, राजद का जन्मदिन था, राजद के फाउंडेशन डे के दिन लालू यादव ने पत्रकारों और अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को। ये लालू जैसा कद्दावर नेता ही है जो समझता भी है कि नरेंद्र मोदी और खास करके भाजपा इतनी ताकतवर है कि बिना एकजुट हुए उसको उखाड़ नहीं फेंका जा सकता, फिर भी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने ये बात निश्चित तौर पर कही। क्या कुछ कहा था उन्होंने, ये सुन लीजिए आप। अरे चुनाव आ रहा, सामने चुनाव आ रहा, इस चुनाव में आपको मालूम होगा कि नीतीश जी के आवास पर, उनके पास पर
देश भर के 17 पार्टी के नेता जो आए थे, 17 पार्टी उपस्थित हुए थे, मैं भी था। और देश अभी कमजोर में हम लोग जुट रहे हैं, तो हार के फेरे में नरेंद्र मोदी ज्यादा न्याय और जुल्म नहीं करता है। जुल्म करने वाला सारा नहीं है, जिसको चाहता केस करो मुकदमा करो। तो आपने सुना कहा कि उखाड़ फेंकेंगे भाजपा को, नरेंद्र मोदी को। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बाउंस बैक करना जो मैटर है, उनका फिर से राजनीति में फिट होकर आ जाना क्या मायने रखता है, इस पर हमने बात की शिवानंद तिवारी, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लालू के बड़े करीबी नेताओं में माने जाते हैं। शिवानंद तिवारी से हमारी एक खास बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं। राजद के उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। हम शिवानंद तिवारी से जानना चाहेंगे कि लालू जी महागठबंधन की मीटिंग जो हुई थी पटना में, उसमें कहा था कि हम मोदी को ठीक कर देंगे, और फिर राजद के फाउंडेशन डे के दिन कहा लालू जी ने कि हम जो हैं मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। तो लालू का ये जो बाउंस बैक है वो क्या मैटर रखता है और क्या मायने है, हम माननीय शिवानंद तिवारी से ही जानना चाहेंगे। स्पष्ट उन्होंने कहा, चुनौती दिया है, कहा है परास्त करेंगे, तो अकेले कोई परास्त करने वाली बात नहीं ना है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो एक गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिसका नाम इन लोगों ने किया है इंडिया, अब उसके ओर से बोल रहे हैं ना, या हम भी बोल रहे हैं तो उसकी ओर से बोल रहे हैं और उसकी ताकत के आधार पर कह रहे हैं कि हाँ साहब, अगला जो चुनाव होगा उसमें हम नरेंद्र मोदी को परास्त करेंगे। नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति के रूप में मत देखिए, नरेंद्र मोदी एक विचारधारा, और वो विचारधारा जो है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी आपने देखा कि कल जो है मैंने ट्रेन में एक पुलिस वाले ने मैंने 3 लोगों की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो कह रहा है कि भारत में रहना है तो तुमको मोदी योगी करना पड़ेगा। अब ये जहर जो है परकोलेट करके, रिस्क करके कहाँ तक पहुँच गया है, तो देश किस दिशा में जा रहा है दिखाई देगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो बेचैनी है मणिपुर को लेकर के, वो अखबार में छपा है। और दूसरे आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर मैंने क्या कितनी चिंताजनक स्थिति है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वही बयान कर रहा है। तो देश में जो कुछ चल रहा है ये मैंने बहुत ही खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो देश है, हम लोगों के देश एक रंग में रंगा हुआ नहीं है। यहाँ अलग अलग इलाका है, अलग अलग इलाके की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपना रीति रिवाज है, यहाँ तक कि सब लोगों के अलग अलग देवता हैं, भगवान हैं, पूजा पाठ का तरीका अलग है। इन सबको मिला करके भारत बना है। इस भारत वर्ष की जो विविधता है, अगर आप इसको मिटा देंगे तो भारत तो मिट जाएगा। तो उसी दिशा में ये देश जो है जा रहा है, उसी को रोकने के लिए ये सारी कवायद हुई है, और जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जा सकता है कि तीर मुहावरा का इस्तेमाल किया जाए कि तीर निशाने पर लगा है। जो बेचैनी है, जिस बेचैनी का इजहार वो कर रहे हैं बार बार अपनी सभाओं में, अपने भाषण में, रोज़ 2-3 बार जो चर्चा कर रहे हैं, वही साबित करता है कि एक ताकतवर जो है ये बना है। तो ये यही स्थिति है। तो आपने सुना, ये थे शिवानंद तिवारी, लालू के परम मित्रों में से कहे जाते हैं और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमने राहुल गांधी पर भी उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि एकदम निश्चित तौर पर राहुल एक परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं। हमने कहा कि कर्नाटक विजय और भारत यात्रा के बाद क्या राहुल की छवि बदली, उन्होंने कहा कि राहुल फोटोशूट के लिए, उन्होंने बातों ही बातों में इशारा कर दिया मोदी के तरफ कि राहुल सिर्फ फोटोशूट के लिए भारत यात्रा नहीं किए, आज भी उनकी भारत यात्रा चल रही है, खेतों में जा रहे हैं, खलिहानों में जा रहे हैं, किसानों की समस्याओं को समझ रहे हैं। सर, आपने एक बार कहा था कि 2020 के आसपास कि राहुल गांधी नॉन पॉलिटिशियन है, तो कर्नाटक विजय और भारत यात्रा के बाद क्या पता नहीं हमने कब कहा था, हमको नहीं याद है कि नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन अब वो परिपक्व हो गए हैं क्या आपकी नज़र में? अब कोई आदमी जो है परिपक्व हो गए हैं, सवाल आपका गलत है। जो कुछ दिखाई दे रहा है आप पीछे से देखिए, आप अपमानित करने वाली भाषा कर रहे हैं।
जैसे पहले कोई अपरिपक्व था, बच्चा था, अचानक जो है ये हो गया, कद बढ़ा रहा है। इसीलिए सवाल भी जो है मैंने सोच समझ कर ही करना चाहिए कि आप ऐसा सवाल मत कीजिए कि पहले जिससे जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं उसको जो है परेशानी हो जाए। राहुल गांधी के प्रति हमारा ही नहीं देश का आकर्षण जो है बढ़ा है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, इतनी लंबी यात्रा हुई, ये कोई साधारण तपस्या नहीं था। और जिस तरह से समाज के अलग अलग तबके के लोग उस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी से मिले और जिस मैंने वार्मनेस के साथ, जिस अपनापन के साथ राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे थे, बीच बीच में रास्ते में अलग अलग तबके के लोगों की समस्याओं को उन्होंने समझा, तो एक ढंग से मैंने वो देश को मैंने भारत जोड़ो यात्रा जो है एक ढंग से राहुल गांधी के लिए भी देश का दर्शन था, देश को समझने का। और अभी भी उस प्रक्रिया में है। मान लीजिए धान के खेत में उतर गए, वो कोई प्रतीकात्मक उतरना नहीं था। डेढ़ घंटा दो घंटा जो आदमी रहता है कीचड़ में, धान रोप रहा है, औरतों के साथ खा रहा है, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा है, या किसी मोटरसाइकिल मिस्त्री के यहाँ बैठ गए घंटा डेढ़ घंटा, ये प्रतीकात्मक नहीं है। ये समाज का जो अलग अलग तबका है उसकी जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को समझने की जो जिज्ञासा है, उसका प्रदर्शन है। तो ये जो छवि देश के लोगों के सामने राहुल गांधी की दिखाई दे रही है, इससे राहुल गांधी एक चुनौती के रूप में उभर करके आए हैं। आज से कुछ दिन पहले तक, साल भर पहले, दो साल पहले लोग लग रहा था कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। अब जो है लोग भी सर्वे में कह रहे हैं कि नहीं साहब, चुनौती जो है राहुल गांधी। हम आपको एक किस्सा और बताते हैं। 17 जुलाई को जब लालू प्रसाद एक काली टी शर्ट में बैंगलोर की बैठक में, महागठबंधन की बैठक में गए थे, तो ताज वेस्ट एंड पोर्स तक जाने वाले एसयूवी की अगली सीट से उतरे, जो हम आपको दिखा रहे हैं, अगली सीट से उतरे तो एक सुरक्षा अधिकारी ने उनकी सहायता की। जैसे ही वह कुछ सीढ़ियां चढ़े, उम्र और स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण राजद प्रमुख की शारीरिक क्षमताएं भले ही कम थीं, लेकिन जोश में कहीं कोई कमी नहीं थी। और उसी वही जोश आज से करीब हफ्ते दिन पहले जो है लालू यादव ने बैडमिंटन खेलते हुए दिखाया। आपने देखा किस जोशो खरोश से लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, और ये समझाना चाहते हैं तमाम दूसरे दलों को कि देख लीजिए मैं फिट हूं और आप भी इसी तरीके से फिट हो जाइए, ताकि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। अब देखना ये है कि महागठबंधन जो इंडिया बना है अलायंस के रूप में, वो मोदी तक किस तरीके से पहुंचकर उन्हें सत्ता तक से उखाड़ कर फेंकता है, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।